आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी। इसे बनाने में आपको मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये सब्ज़ी का स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा। यदि आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज की मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी को शुरू करते हैं। भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रखी है। इसमें डाल देंगे 3 बड़े चम्मच तेल। गैस का फ्लेम मीडियम रखें। जैसे ही तेल हल्का गर्म हो जाए हम इसमें डाल देंगे हींग। तो मैंने यहाँ पर 2 चुटकी हींग डाली है। मेथी दाल डाल देंगे 1/2 चम्मच। गैस का फ्लेम मीडियम रखें। जैसे ही मेथी दाल हल्की पक जाए हम इसमें डाल देंगे भिंडी। तो मैंने यहाँ पर 300 ग्राम के करीब भिंडी ली है। भिंडी को पहले आप अच्छे से धो लें, फिर सूखे कपड़े से पोंछ के इसे काटें। मैंने भिंडी के बड़े टुकड़े रखे हैं, आप चाहें तो भिंडी के छोटे टुकड़े भी रख सकते हैं। तो ये मैंने भिंडी कढ़ाई में डाल दी है। भिंडी को पहले हम थोड़ा ऐसे चला लेंगे और उसके बाद कढ़ाई को ढककर भिंडी को पकाएंगे। मसाले हम अभी नहीं डालेंगे, पहले भिंडी को थोड़ा पक जाने दें, उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हमने भिंडी को ऐसे हल्का चला लिया है। अब हम कढ़ाई को ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट भिंडी को पकने देंगे। 3-4 मिनट बाद हम देखेंगे भिंडी हल्की पक गई है, तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो नॉर्मल हम जो मसाले डालते हैं सब्जियों में वही डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। मसालों को सब्जियों के साथ मीडियम फ्लेम पर ऐसे मिक्स कर लेंगे। नमक का इस्तेमाल हम अभी नहीं करेंगे, नमक हम सबसे लास्ट में डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने मसालों को सब्जियों के साथ अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखें और भिंडी को पकने दें। 3-4 मिनट बाद हम कढ़ाई से ढक्कन हटाएंगे। ये सब्ज़ी ऑलमोस्ट पक गई है, तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक। स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। तो जब भी आप भिंडी की सब्ज़ी बनाएं, इस बात का ध्यान रखें कि नमक आप सबसे लास्ट में ऐड करें। इससे क्या होगा कि भिंडी जो है वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। हमने भिंडी को पहले 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाया है, फिर मसाले डालने के बाद और 3-4 मिनट पकाया है। अब नमक डालने के बाद हम बस 2 मिनट इसे धीमी आंच पर ढककर पकाएंगे। तो गैस का फ्लेम यहाँ धीमा कर लेंगे और भिंडी को बस 2 मिनट और ढककर पकाएंगे। 2 मिनट बाद कढ़ाई से ढक्कन हटाएंगे और ये हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है। गैस का फ्लेम यहाँ ऑफ कर देंगे। सब्ज़ी को अब सर्व कर लेंगे। आप इस सब्ज़ी को रोटी या पराठे के साथ खाएं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप भी इस आसान और टेस्टी भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बनाने में आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे। यदि आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर से क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिलें।